नीमच शहर के श्री सीताराम जाजू कॉलेज में मतदाता जागरूकता के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक नृत्य की शानदार प्रस्तुति के माध्यम से दर्शकों का दिल जीत लिया। छात्रा श्रुति पटेल ने कविता के माध्यम से मतदान करने हेतु प्रेरित किया। आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर दिनेश जैन, सीओ गुरु प्रसाद एवं एसडीएम ममता खेड़े, मुख्य नगरपालिका अधिकारी महेंद्र वशिष्ठ, प्राचार्य डॉक्टर एनके डबकरा सहित महाविद्यालयीन स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम में कलेक्टर ने सभी छात्राओं एवं स्टाफ को अनिवार्य रूप से 17 नवम्बर को मतदान के त्योहार में स्वयं एवं अपने सभी पड़ोसियों सहित भागीदारी करने हेतु न्योता दिया। स्वीप अभियान के अंतर्गत अपनी कला का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर कलेक्टर ने छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कलेक्टर ने महाविद्यालय में आदर्श मतदान केंद्र के रूप में स्थापित पिंक बूथ का निरीक्षण भी किया। प्राचार्य डॉक्टर एन के डबकरा ने अतिथियों के लिए स्वागत भाषण प्रस्तुत किया तथा कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर बीना चौधरी ने किया। देखिए, चूंकि 17 नवम्बर को जो मतदान होना है, तो उसके लिए हमारे जो प्रयास हैं वो सभी स्तर पे बहुत सारे चल रहे हैं, जो मतदाता जागरूकता के संबंध में चला रहे हैं हम लोग। विभिन्न कॉलेजेस में, स्कूल्स में, शहर में कई सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिनमें कि मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है कि वो 17 तारीख को अपने मतदान केंद्र पर आकर मतदान करें। तो आज यहाँ जाजू कॉलेज के जो हैं छात्राओं ने एक नुक्कड़ नाटक वगैरह और अपनी कविता के माध्यम से और अपने नृत्य वगैरह के माध्यम से स्वीप की जागरूकता बढ़ाने के लिए ये काम किया है। हम लोगों ने जो प्रथम बार वोट कर रही छात्राएं हैं उनको निमंत्रण पत्र भी यहाँ वितरित किया है। और आप देख रहे हैं ये बहुत सुंदर सा जो है ये आदर्श मतदान केंद्र हम लोगों ने स्थापित किया है, जिसमें कि लोगों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, उनको आराम से यहाँ चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं, जब वो वोट करने आएंगे तो यहाँ कम्फर्टेबली बैठेंगे। और जो हमारा पोलिंग बूथ रहेगा उसको भी हम लोगों ने सजाया है। ये पूरा प्रयास इसको शो करने के लिए किया है कि ऐसे लगभग 50 जो है मतदान केंद्र हम लोग शहर में आदर्श मतदान केंद्र बनाएंगे जिनमें लोगों को सुविधा रहेगी। तो लोगों से मेरा यही आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर और अपने मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लें। और अगर उनके मन में थोड़ा भी ये लगता है कि वहाँ मतदान केंद्र पर उनको इंतज़ार करना पड़ेगा या वहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ऐसा ना सोचें, उनको बहुत जल्दी मतलब जो है वोटिंग करा दी जाएगी उस दिवस। तो अनिवार्य रूप से इसमें आएँ और वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने में सहयोग करें ताकि हम लोग नीमच जिले का जो वोटिंग परसेंटेज है वो प्रदेश में सबसे ज़्यादा करने में अपनी सहभागिता आप लोग निभाएँ। सर, आज से बैलेट जो है मतदान भी शुरू हुए हैं वृद्धजनों के लिए और विकलांगों के लिए, सर क्या उत्साह देखने को मिला सर? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसमें 80+ के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं और जो पर्संस विद डिसेबिलिटी जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए ये ऑप्शन दिया गया है कि वो घर पर बैठकर और वोटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे पूरे ज़िले में 526 मतदाता हैं, उसके लिए हम लोगों ने 29 टीमों को आज रवाना किया है और वो टीमें घर घर जाकर उसमें वोटिंग करा रही हैं। उसका पूरा प्रोटोकॉल है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रतिनिधि होते हैं, हमारे 2 मतदान अधिकारी होते हैं, पुलिस के लोग होते हैं, वीडियोग्राफर होता है, माइक्रो ऑब्जर्वर होता है और पूरी सीक्रेसी के साथ ये वोटिंग प्रक्रिया कराई जा रही है। चूँकि ये प्रथम बार ये ऑप्शन दिया गया है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1 या 2 दिन में ये पूरी प्रक्रिया सम्पन्न। नीमच से पवनराव शिंदे के साथ कमलेश मांगरे की रिपोर्ट।